ये गेट है छोटा है बड़ा, ये बड़ा गेट हमेशा बंद रहता था। बड़ा गेट चालू करो, चालू करो, चालू करो, अस्पताल का बड़ा गेट चालू करो, चालू करो, चालू करो, जब तक होता नहीं है टेंडर किसी को जाता नहीं है, जब तक ये पार्किंग इसकी अवैध पैसे वसूलना बंद करे। त्योहारों के अवसर पर के मार्ट लेकर आया है आकर्षक उपहारों की बौछार। के मार्ट का दावा, अगर हमसे सस्ता कोई दे तो बताइए। तो आज ही विजिट करें वेंकटेश टाइपिंग के सामने जुनियोली कैंटीन। आज का जो हमारा ये मोर्चा था वो डागा हॉस्पिटल, जो कि विदर्भ का सबसे चर्चित हॉस्पिटल है, जहाँ सैकड़ों मरीज रोज उपचार करते हैं। यहाँ पे जो इसके दो गेट है, छोटा एक बड़ा, तो ये बड़ा गेट हमेशा बंद रहता था। अभी हमने निवेदन दिया और नारेबाजी कर यहाँ खुद ही गोद खेला है, और हमारा निवेदन था कि ये गेट 24 घंटे खुला रहना चाहिए, क्योंकि ये गेट बंद होता है एम्बुलेंस रुकती है, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, मरीज को अलग प्रॉब्लम होती है। और दूसरा हमारा मुद्दा था जो ये पार्किंग है, ये पार्किंग का कोई टेंडर नहीं हुआ है और ये बिना टेंडर के पार्किंग चलाई जा रही है। कोटेशन हमको बताया गया कि कोटेशन पे पार्किंग चल रही है, लेकिन कोटेशन लाख भरे जा सकते हैं, लेकिन टेंडर जब तक होता नहीं है, टेंडर किसी को जाता नहीं है, जब तक ये पार्किंग के अवैध पैसे वसूलना बंद करे। और तीसरा हमारा अहम मुद्दा था, जहाँ रात में यहाँ असामाजिक तत्व का जमगावड़ा जमता है और नशे का सेवन किया जाता है, जिससे मरीज आने वाले और मरीज के परिचित उनको लाखों समस्या, हजारों समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये तीनों हमारे मुद्दे थे, ये तीनों मुद्दे जल्द से जल्द हल होना चाहिए। हमने 8 दिन का टाइम दिया है, हमको वहाँ प्रशासन ने बोला है डागा के 1 महीने में यहाँ का टेंडर भी हो जाएगा। निवेदन किसको दिया? निवेदन हमने यहाँ की जो MS है सुपरिटेंडेंट सीमा पारवेकर, वो नहीं मौजूद थी, तो उप सुपरिटेंडेंट जो चांदेकर मैडम है उनको ये दिए है। संजय भैया जो यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं उनके हाथ में दिया है, उनने तुरंत कॉल कर भी बताया है। और हमने यहाँ के मैनेजमेंट को, सीमा मैडम को ये बताया और ये बोला है कि आप पुलिस में कंप्लेन करिए कि गेट से, जैसा इनका बोलना है, गेट चालू रहता है तो बाहर के लोग पार्किंग करते हैं, तो यहाँ पे 2-3 दिन पुलिस वाले खड़े रहेंगे, आप पुलिस में कंप्लेन करिए। और रात में जो नशे करने वाले लोग यहाँ आते हैं उनकी भी कंप्लेन आप करिए, आप नहीं करते तो हम कंप्लेन करेंगे। सुबह से लेकर नहीं तो बंद की, बंद करने से क्या हो रहा है, क्यों बंद कर रहे हो इसको? जनरल पब्लिक नहीं आना चाहिए? कौन सी जनरल काम है? जनरल पब्लिक डागा प्रशासन भी क्या करेंगी मैडम? टेंडर हो गया क्या? टेंडर करना है अभी, शुरू कर दिया। तो ये पार्किंग का जब टेंडर नहीं हुआ तो पार्किंग चालू क्यों है? नहीं तो पार्किंग है ना, उसका जो प्रोसीजर है टेंडर का होने का है। टेंडर देखो, मेवा हॉस्पिटल में भी पार्किंग चालू हो गया, दूसरा एक सिस्टम है कोटेशन, कोटेशन भी किया गया है, लेकिन टेंडर प्रोसीजर चालू है अभी तो कुछ नहीं है ना। है ना, कोटेशन पे है ना, अभी कल का वसूल रहा कोटेशन पे है ना, टेंडर वो टेंडर की कोटेशन को 100 ला लेते संजय भैया। नहीं ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो जब तक टेंडर नहीं होता जब तक उसकी पार्किंग निकालो यहां से। दूसरी बात ये है कि रात में आप लोग तो शायद चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन रात में वहाँ पे पूरे नशे वाले लोग आ जाते हैं, अंदर आ रहे दारू को देखेंगे, देखेंगे अधूरी बात। हॉस्पिटल समझ लो अधिकतर लेडीज के लिए बना हुआ, बिल्कुल सही डिलीवरी के हिसाब से भी अधिकतर तो लोग आ रहे हैं, उसमें समाधि तक दिक्कतें जा रही तो सब कौन करेगा? देखेंगे करेंगे तो वहाँ तो आदमी होता था ऐसी कोई कम्प्लेंट आई नहीं आपने आई, इसलिए नहीं क्योंकि सब बेकार लोग आ रहे हैं। आपने कम्प्लेंट दिया तो उस पर कार्रवाई होंगी और आपको दिखेगी, वो कार्रवाई नहीं दिखेगी, कार्रवाई दिखेगी। पार्किंग चालू नहीं, पार्किंग का भी मैं